हाय गाइस, मैं हूं मोना। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज अगेन मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूं थोड़ा सा रेडी होते हुए, क्योंकि मेरे लास्ट वाले व्लॉग में ना जो मैंने ससुराल का डे वन शूट किया था उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप अपना मेकअप रूटीन क्यों नहीं शेयर करते, कि आप कैसे रेडी होती हो अपने ससुराल में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा जितना अगर चेन्नई में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा तो करना बनता ही है मेकअप। बहू जो हो गई हूँ अभी, वैसे कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग अभी बाहर जा रहे थे तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी। मैंने यहाँ पर बहुत ही गोल्डन कलर का आई शेडो लगाया हुआ था, आईब्रो बनाया था एंड लाइनर लगा दिया था, जो कि मैं हर एक ब्लॉग में हर एक मेकअप वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। थोड़ा सा बस पॉन्स का बीबी क्रीम आपने देखा होगा मैंने कितना सा कम लिया था, उसके बाद कॉम्पैक्ट मैंने लगाया क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा ऑयली है तो थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाने से अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। एंड तो मेरा ऑलमोस्ट मेकअप हो गया यहाँ पे, बस एक छोटा सा बिंदी फाइनली मैं ले आई, छोटी सी बिंदी। आप लोग बताना मैं बड़ी बिंदी में अच्छी लग रही हूँ कि छोटी बिंदी में अच्छी लग रही हूँ, आप लोगों ने देख लिया लास्ट वाला ब्लॉग। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल का लगा रही हूँ, यहाँ पे अल्ट्रा SD मैट लिपस्टिक, इसका शेड है 7 ट्रैवल पार्टनर। एंड ये सच में ट्रैवल पार्टनर है क्योंकि इसका जो कैप है ना एकदम मैगनेट की तरह चिपक जाता है तो वो निकलने का नाम ही नहीं है कहीं पे। एकदम ब्राइट कलर का एक पिंक है, आपको पता है मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में बताती हूँ कि मुझे डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम से मैट है जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, तो मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं कौन सा ईयरिंग्स पहनूँ, तो वो वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो फाइनली मैंने ये वाला पहन दिया इसके साथ। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मेरा ड्रेस मैंने क्या पहना है क्या नहीं। एंड आई एम सो सॉरी अगेन, मैंने रेड कलर का कुर्ती यहाँ पे पहन लिया, पता नहीं मैंने 2-3 कुर्ती रेड कलर ही घर से ले आई हूँ, अभी पता चल रहा है मुझे पहनते टाइम। तो मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मम्मी दोनों ही मुझे पूछती रहती है हमेशा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी ईयरिंग्स क्यों पहनती हो, दर्द नहीं होता क्या? मैं बोलती हूँ नहीं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो पहनना होता है। तो वही मुझे बोलते कि क्यों हमेशा इतना बड़ा बड़ा पहनती है, छोटा ईयरिंग्स पहन लो। तो मेरा यहाँ पे सारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, हमें जाना है बाहर। आने के बाद मैं आपको आज मेरा ससुराल का हाउस टूर करवाऊंगी। उससे पहले लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस लिपस्टिक के बारे में बता दूं, ये है पर्पल का अल्ट्रा SD मैट लिपस्टिक। ये इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, सबसे पहले बात तो ये है। एंड इसका नंबर है 7 ट्रैवल पार्टनर है इसका। जो ट्रैवल पार्टनर मैं बोलती हूँ इसी के लिए क्योंकि इसका कैप ना एकदम मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा जो निकलेगा ही नहीं। उसके बाद ना अगर आप एक स्वॉच करते हैं तो देखिए ऐसा कलर आता है, दो बार अगर आप स्वॉच करते हैं तो उसका कलर कितना ब्राइट एंड कितना प्यारा सा कलर आता है। ये एकदम से मैट कलर है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर एंड इस पर सेल भी चली हुई है पर्पल पर, तो आप अगर आपको बाय करना तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप परचेस कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, टाइटल से पता चल गया होगा, ससुराल का हाउस टूर। तो अभी फिलहाल मैं ससुराल में हूँ तो वहाँ का शेयर कर रही हूँ, तो जब मायके जाऊँगी तो वहाँ का भी शेयर करूँगी। तो ये वाला घर जो है नीचे का, ये अभी रेनोवेट हो रहा है तो यहाँ का मैं अभी शेयर करूँगी। ऊपर में अभी शिफ्ट हुए हैं वो वाला भी मैं शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये दोनों देखो दादी और पोती दोनों अंदर खेल रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं पता, आवाज़ आ रहा होगा आपको उन दोनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले वो लोग क्या करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो एंड गाइस देखिए इस वीडियो के नीचे कुछ भी प्लीज़ बैड कमेंट मत करिएगा, ये सब बहुत इमोशनल बातें होती है ना, हार्ट को टच करने वाली चीज़ें होती है ये सब, तो प्लीज़ आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। सो ये है मेरे ससुराल का हाउस, यहाँ पे नीचे का फ्लोर है एंड ऊपर का एक फ्लोर है। तो नीचे वाले फ्लोर में अभी कोई नहीं रहते क्योंकि उसमें काम चल रहा है, तो इसी के लिए ऊपर में रहते हैं मम्मी पापा। सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाला रूम आता है ना, यहाँ पे बेसिकली पापा की बाइक रहती है एंड मेरी, अगर मैं मायके से स्कूटी ले आती हूँ ना कभी कभी, तो बेसिकली यहाँ पे स्कूटी रहती है तो हम दोनों की गाड़ी यहीं पे रह जाती है। अगर मैं स्कूटी लाती हूँ तो अगर मैं यहीं पे हूँ, नहीं तो पापा की सिर्फ बाइक रहती है यहाँ पे। जो सेकेंड वाली रूम है यहाँ पे अभी तो कुछ फिलहाल सामान नहीं था, जब होता था सोफ़ा वगैरह होता था, एक छोटा सा बेड होता था, टीवी रहता था यहाँ पे। अभी क्योंकि रेंट लोग रहते थे उनके बाद थोड़ा सा रेनोवेट का काम हुआ है यहाँ पे, तो वो सारा सामान है अभी कुछ शिफ्ट नहीं किया गया है। एंड देखिए यहाँ पे माहे की मस्ती चल रही है। एंड यहाँ पे बेसिकली ऐसे साइड साइड वाला रूम नहीं है, ऐसे स्ट्रेट वाला रूम बहुत ज़्यादा होता है। मेरे मायका भी वैसा ही है, स्ट्रेट वाला ही है, उसी को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करके साइड पार्टीशन करके ना रूम बनाते हैं यहाँ पे। मतलब हमारा घर है, ऐसा नहीं कि सबका घर ऐसा ही है। उसके बाद ये वाला एक रूम है, यहाँ पे बेसिकली एक फ्रिज होता था, यहाँ पे एक अलमीरा होता था, ऐसा जो एक पूजा का रूम हमने अलग से सेपरेटली बनाया हुआ है वो आपको दिखाऊंगी। काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है। एंड अभी क्या क्या बाकी है उतना तो मुझे आइडिया है नहीं अभी, लेकिन है कुछ कुछ बाकी, इतना मुझे पता है। एंड इस एरिया में बेसिकली पहले एक अलमीरा होता था यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरी जब शादी होके आई थी तब यहाँ पे रहते थे, इस वाले फ्लोर में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में वो। एंड अभी काम हो रहा था यहाँ पे, एंड जगन्नाथ जी एंड
एंड यहाँ पे जो थोड़े थोड़े हमारे भगवान जी जो होते हैं जगन्नाथ जी, बेसिकली जो भी उड़ीसा से होते हैं, उड़िया होते हैं, उनके घर में तो जगन्नाथ जी की फोटो तो होती ही है, वो तो कंपल्सरी ही है। तो यहाँ पे एक पूजा करने के लिए यहाँ पे एक बनाया गया है। एंड ये वाला एक हॉल को पार्टीशन करके ना एक बेडरूम की तरह बनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कूलर होता था, बेड होता था, यहाँ पे एक फ्रिज भी रहता था, फ्रिज नहीं एक अलमारी भी रहता था, तो इतना सारा सामान यहाँ पे हो जाता था। एंड वो किचन है, एंड किचन बाहर की तरफ एक आंगन है, उसको भी थोड़ा सा बहुत सारा काम करना भी बाकी है, ख़त्म हुआ नहीं है। तो इतना भी नीचे का घर है, बाकी का काम जो पूरा होगा वो मैं दिखा दूंगी। एंड माई की डस्ट यहाँ पे चल रही है। बूढ़ा की है, बूढ़ा की है। तो अभी आते हैं हम लोग हमारे ऊपर वाले घर पे। एंड यहाँ पे जब लोग पेंटिंग देख रहे थे, ये ना नॉर्मली हमारी शादी में यहाँ पे होता है, मेरी शादी पे नहीं, मेरी ब्रदर इन लॉ की शादी हुई थी तो उनकी शादी का भी है, जब एक और ब्रदर इन लॉ की शादी होगी तो एक और बार किया जाएगा। तो यहाँ पे उन्हीं का नाम सब लिखा हुआ है। फिर हम एंट्री करते हैं, ऊपर में ज़्यादा रूम्स नहीं बनाए हुए हैं क्योंकि उतना ज़्यादा कोई रहते नहीं है यहाँ पे, मम्मी पापा भी यहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहते हैं, तो बस छोटा सा यहाँ पे बनाया हुआ है। ये एक हॉल है, सबसे पहले एक फर्स्ट वाला रूम है, यहाँ पे आपको बहुत सारे भगवान जी मिलेंगे। मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा भगवान को पूजा करती है, बहुत, मतलब उनको आप कुछ बोलो ना बोलो, अगर उनको भगवान के पास छोड़ो दिन रात पूजा करती रहो तो वो वैसे ही कर लेगी, इतना उनमें है भगवान के लिए। तो फर्स्ट वाले रूम में बस एक सोफ़ा है, थोड़े से चेयर, एक टेबल, बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। तो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। इस साइड आपको एक टीवी मिल जाएगा, टीवी रखा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद आती है एक और बेडरूम, एंड उसमें एक बेड है, वहाँ पे एक अलमीरा है, एंड वहाँ पे एक कूलर लगा हुआ है। एंड मैंने अपना सारा कैमरा का जो भी शूटिंग करने का है वहाँ पे ट्राइपॉड से बिछा दिया है, मैंने आधा बिछा फैला दिया यहाँ पे, माही ने आधा फैला दिया ये टेबल के ऊपर, सारा कुछ लगे माही ने यहाँ पे रख दिया है। एंड बेसिकली एक सिंपल सा किचन है, साइड में यहाँ पे भगवान जी मंदिर है, एंड कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है। एंड पीछे की तरफ वहाँ पे ना एक आंगन जैसा बना हुआ है, वहाँ पे उस तरह बाहर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे एक अलमीरा भी है, वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, एंड बाथरूम है, वहाँ पे एक सिलाई का मशीन है जो कि मेरे ब्रदर इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद है स्टिचिंग करना। माहिका, अरे तो यहाँ पे ना दो ऊपर फ्लोर को जाने के लिए गेट भी यहाँ पे लगा दिया गया है। एंड यहाँ पे माही की मस्ती आप लोग देख सकते हैं कैसे चढ़ चढ़ के गेट की। तो मैं यहाँ पे डोंट वरी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो बहुत बदमाशी करते हैं यहाँ पे, स्पेशली दादी नानी के घर में आकर तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगी है और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे बेसिकली इतना ही है, छोटा सा घर है, प्यारा सा घर है हमारा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक है, छत है हमारा, मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले ब्लॉग में दिखा दिया था। तो बहुत ज़्यादा आप अगर सराउंडिंग की बात करो तो इतनी हरियाली ही हरियाली आपको मिलेगी, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। एंड छत पे भी मम्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ लगा के रखी है, लेकिन अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया, बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मम्मी स्कूल भी है पास में एक, तो वही माही मम्मी दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, मम्मी दिखा रही है माही को, देखो बच्चे स्कूल जा रहे हो, तुम जा रही हो ना, ऐसे वही सब बातें चल रही है। एंड ये देखिए कुछ कुछ पेड़ लगा हुआ था जो कि आधा तो टूट फूट गया, एंड आधा में यहाँ पे मिर्ची का पेड़ यहाँ पे एक लगा हुआ है, वो मुझे दिखा रही थी मम्मी की, देखो कि हमारे यहाँ पे ना ग्रीन चिल्ली हुआ है। मैं बोले ऐसे ऐसे राउंड राउंड का भी होता है, टमाटर के जैसे लग रहा है, लेकिन वो ग्रीन चिल्ली था, बहुत ज़्यादा हुए थे। एंड वो लगाती है, बहुत कुछ लगाती थी, बीच में तो टमाटर का भी पेड़ भी था, वो बता रहे थे मुझे। माई हाय का, हाय का, कोई दीदी के झिया कोई दिलो देख देख माही हाय कोई दे माँ एप्पट देखी का कैमरा देखी का बाबा देख रहे हो ना कोई दे माँ हाय बाबा कोई दे बाबा को हाय बाबा भी कोई लेकिन दी मिस बाड़ी देगी दाकु पिट्टी ले थम थम दाकी को मिस बाड़ी ने कुछ ले दी दाकी को मैं ट्री को पिट लेगी माँ ट्री को पिट लेगी
और यहाँ पे ना हम लोग एक फूल में जो एक व्हाइट कलर का स्पाइडर होता है वो वाला मैं दिखा रही थी। एक्चुअली मम्मी ने दिखाया माई को, तो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आ रही थी कि देखो देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का स्पाइडर की तरह है। तो माई बड़ी एक्साइटेड थी इसको देख के, मैंने कभी नहीं देखा था व्हाइट कलर का ऐसा, पता नहीं देखा भी होगा तो याद भी नहीं आ रहा था। वही सब हम लोग यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे थे तीनों, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, शाम के टाइम था, अभी बारिश होने वाला था, लग तो रहा था कि बारिश होगा, ठंडी ठंडी हवा, तो बातें करने में तो मज़ा ही आ जाता है। देखो मम्मी एंड माही दोनों, मैं भी ऊपर थी, मैं नीचे जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए सबके लिए, पापा के लिए, पापा नीचे हैं। एंड बहुत सारे लोगों का ना ये एक डाउट है कि आपका ससुराल कहाँ पे है, मायका कहाँ पे है, तो दोनों एक ही जगह पे है, दोनों पास पास है घर, बस 5-10 मिनट की दूरी पर है। तो मैं अगर मैं मायके में होती तो मैं स्कूटी लेके आ जाती हूँ, अगर मैं ससुराल में होती तो कभी कभार मैं स्कूटी लेके चली जाती हूँ। मैं अगर आपको थोड़ा सा इन हो कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो रो देखो दोनों तो चलो मैं चाय बनाती हूँ, लेट हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। यहाँ पे माही ने ना जो खाने के लिए उसको कुछ कुछ दिया गया था वो खा के आधा से ज़्यादा तो नीचे पूरा दोनों रूम में वो उसने फेंक दिया था। एक्चुअली थोड़ा सा भी कुछ गिरता है ना आजकल इतना चीटी चीटी हो जाता है, बारिश तो हो रही है बट फिर भी पता नहीं क्यों इतना चीटी हो जाता है कि तुरंत उसको निकालना पड़ता है। वो चने में भी ऐसे ही करती है, कहीं पर थोड़ा सा कुछ गिरता है ना तो उसमें पूरा चीटी चीटी भर जाता है, तो वही मैं एक बार फिर से क्लीन कर दे रही, नहीं तो पूरा घर में चींटी भर जाएगा। अभी वो तो बेड के ऊपर कहीं पे भी खाती है ना एक दो गिर ही जाता है उससे, बच्चे तो गिरता ही है। एंड वो एक ही काफ़ी होता है पूरे घर को चींटी चींटी करने के लिए। तो पहले ये होगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए। तो आई होप आपको मेरा ये आजकल का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा गाइज़। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत गाइज़, लाइक कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, दूध गर्म करूँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रही हूँ पता है, एक तो मैं कैंची ढूंढ रही थी क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने अपने हिसाब से रखा हुआ था, मुझे कुछ कुछ ना मिल नहीं रहा था तो मैं वो ढूंढती रही थी। एंड एक ये तो एक बात तो चेन्नई में भी होता है कि देखिए वहाँ पे पीछे एक लाइटर रखा हुआ है, एंड यहाँ पे मेरे गैस के नीचे ना साइड में ही लाइटर था, लेकिन मुझे इतना टाइम लगा ना लाइटर ढूंढने के लिए, वो हमेशा मेरे साथ होता है। अगर मैं चेन्नई में भी हूँ ना तो मेरे को लाइटर ही नहीं दिखेगा, भले ही वो मेरे सामने हो बट फिर भी मुझे लाइटर नहीं मिलता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है क्या, या फिर पता नहीं मैं ही एक अकेली इंसान हूँ जिसके साथ ऐसा होता है पागलों वाली चीज़। तो दूध बिठा दिया है, चाय बनाऊंगी मैं। एंड और आप लोग बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करने के लिए। एंड हाँ, बहुत लोगों ने बोला आप अपने पापा से क्यों नहीं मिला रहे हैं, मिलाऊंगी ज़रूर मिलाऊंगी, ऐसा नहीं कि कोई एक प्रॉपर सा मौका नहीं मिल रहा है। मम्मी हमेशा मेरे साथ होती है, बात करती रहती है, तो मैं उनको व्लॉग में ले लेती हूँ। पापा अपने काम में रह जाते हैं तो मैं उतना नहीं ले पाती। देखिए अभी भी वो बाहर ही गए थे, मैं वो जब आ रहे थे ना मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था आप लोगों के लिए, नहीं तो बहुत लोग बोलते कि ऐसे क्या हो गया कि आप अपने पापा को नहीं दिखाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो फॉर श्योर कि मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार मैं अपने पापा से ज़रूर मिलाऊंगी, दोनों पापा से अच्छे से मिलाऊंगी आपको। तो माही को देखिए यहाँ पे, माही तो बड़ी खुश हो गई है। एंड यहाँ पे मैं अगेन कुछ खा रही थी मेरे लिए शाम को कुछ ना कुछ तो होता ही है घर में यहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ ने कॉल किया हुआ था, मेरे दो ब्रदर इन लॉ है, एक को सिस्टर है, एक की शादी हुई है अभी। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि क्या आप अकेली बहू है, बड़ी बहू? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरी एक देवरानी भी है, अभी वो घर पे यहाँ पे नहीं है। कोशिश करूँगी अगर कभी होता है तो बहुत जल्दी उन सबसे मिलाऊंगी, वो लोग यहाँ पे नहीं है अभी। तो माही भी देखिए कितना खुश हो जा रही है, उतने में यहाँ का बाहर का मौसम इतना ख़राब हो रहा था। एक्चुअली यहाँ पर मौसम ना पूरा दिन ठीक रहता है, लेकिन शाम होते होते इतना तेज़ बारिश आ जा रहा था। बारिश तो हुआ नहीं, रात को ही हुआ था, पर मौसम ऐसा होता है कि थोड़ा सा बाहर बच्चों को लेके जाने में थोड़ा सा डर लगता है। एंड माही देखिए अपने दादा के साथ, उसकी तो मौज ही हो गई है यहाँ पे आके।
तो गाइस ये था मेरा ससुराल का होम टूर। आई होप आपको अच्छा लगेगा। माही नीचे इतना जोर जोर से खेल रही है ना, एंड मुझे शायद मैं मम्मी के घर जाऊँ इसके बाद, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा देन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड और क्या बोला था, कुछ नहीं बोला था। चलो मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू।